घर वगैरह नीचे, वो देखो घर, एक घर, ये दो घर, काफी सारे ऐसे घर है। देख रहे हो ना गाइस क्या लेवल है दोनों का, मतलब हमारा और टिस्टा का। ये चेक करो, बाटो ताला खुला है सर, रास्ता ही पूरा दब गया। नहीं है क्या ये भूल भुलैया भाई, मेरे गड्ढे वड्ढे तो दिख नहीं रही है। आई लव कृष्ण, वी ऑल लव कृष्ण। दिस इज सो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज अर्जुन हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल देसी व्लॉगर। तो कैसे हो गाइस आप लोग, होप कि आप सब अच्छे हो ना, अच्छे रहे ना। एक्चुअली जब सुबह उठे ना तब धूप खिली हुई थी, अच्छा खासा गर्मी लग रहा था लाइक 9 बजे तक, एंड उसके बाद अभी चेक करें इट्स 11:30 इन द मॉर्निंग, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। तो आज हम प्रॉपर हनुमान टॉक से कृष्ण का नज़ारा कैप्चर करेंगे, बट डिपेंड्स ऑन द वेदर कैसा है वहाँ का, क्योंकि इस तरीके का ही रहेगा तो फिर खत्म। सो लेट्स गो गाइस टिल हनुमान टॉक। एंड ये लोकेशन पर मुझे दो चीज़ों का याद आता है, एक रहा हमारा सनरीटा, सनरीटा को अक्सर यहाँ पे आकर रिव्यू वीडियोस वगैरह हम बनाते थे, एंड दूसरा चीज़ शुभम, शुभम भाई का याद आता है क्योंकि हम अक्सर यहाँ पे आए करते थे अपना काम ख़त्म होकर, एंड चिल करते थे, वीडियो बनाते थे, काफ़ी कुछ करते थे। आई मीन गलत मत समझना, काफ़ी कुछ सुना तो, क्योंकि लोग होते हैं ना जजमेंटल। सो इट्स ए खूबसूरत रॉक गार्डन, इनका तो यार जिक्र करते रहता हूँ, प्यार बढ़ाते रहता हूँ क्योंकि ये है ही कुछ ऐसा। तो यहाँ से गिद्धे गिद्धे से एंथोनी, एंथोनी से अगस्टिन, अगस्टिन से थोड़ा आगे क्या बोलते हैं उसे, ये जगह चौकी डारा से थोड़ा आगे जाकर राइट लेना, हमें हनुमान टॉक कर लिया, एंड वहाँ से हो सके तो नज़ारा कैप्चर करेंगे आज हम कृष्ण टाउन का। बट लेट्स सी यार, मतलब खुदा ना खास्ता वो इधर अगर सही हो तो फिर मजे मजे, अगर इस तरह संडे काफ़ी टूरिस्ट थे यहाँ पर, बट वहाँ पर जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये जो फेंसिंग दे रखे अभी, एंड दिस इज़ गुड ऑल्सो यार, मतलब नहीं तो वहाँ पर जाकर गंदगी और उसके बाद मतलब होता है ना वो नहीं करने का ना, नेचर को स्पॉइल नहीं करने का। खूबसूरत गिद्धे, अपने को यहाँ से ये लेफ्ट लेना है। मौसम तो यहाँ पे और ख़राब नज़र आ रहा है, एंड लोग रेनकोट भी पहन रहे हैं, यानी कि आगे बारिश हो रही है क्या? ओ बारिश हो रही है ऊपर तो भाई, फिर भी एक बार जाके देखते हैं। दिस इज़ दी सेक्शन जहाँ पर आपको हनुमान टॉक के लिए निकलना लेना पड़ेगा, एंड हमने ले ली है, अब देखता हूँ थोड़ा आगे तक पहुँच कर, 10 मिनट रुकता हूँ। बट ये मौसम देख के तो लग रहा है 10 मिनट में खुलने वाला तो है नहीं, बट फिर भी जहाँ तक मन बना के आए थे ना वहीं तक पहुँचते एक बार। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा खुला है, कभी के बार क्या होता है अगर आप एल्टीट्यूड गेन करोगे तो ऊपरी भाग में आपको मौसम खुला हुआ दिखता है, बट यहाँ पर खुला होकर क्या फ़ायदा, जो चीज़ मुझे दिखाना था अगर वो नहीं दिखा पाया। ओ भाई साहब आज नहीं होंदा, आज नहीं होंदा। गाइस अपन जिस रास्ते से आए थे ना अभी वही रास्ता पकड़ कर जाना पड़ेगा नीचे की ओर। आप देख सकते हो चारों तरफ, चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा। आपको बता दूँ इस साइड पर आता है हमारा के टाउन, कृष्ण टाउन, बहुत ही खूबसूरत सा, क्या ही बताया, आप क्या ही दिखाया आपको, मतलब जो चीज़ हमने उम्मीद बना कर आए थे ना वो उस पर यार मतलब मौसम ने 4 चंद लगा दी सुबह, क्योंकि पिछले अटैम्प में जहाँ से हमने छोड़े थे ना कृष्ण का ड्रोन शॉट लेने के लिए, एंड अभी भी हम वहीं स्पॉट पर आ रखे, बट चेक करें इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग। हमारे वहाँ पर काफ़ी क्लियर मौसम था गैबरी पर, सोचा उम्मीद ये लगा कर आया कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा कहकर, एंड मैं अच्छा सा सीनिक ब्यूटी या ड्रोन शॉट उठा कर आपको दिखाया कहकर, बट उम्मीद पे पूरा पानी पानी, यहाँ पर चेक करें चारों तरफ कोहरा कोहरा, इनफैक्ट हनुमान जी का आइडल भी अच्छे से दिख नहीं रहा है,
दिस इज़ आई लव कृशिंग एंड कृशिंग टाउन यहाँ से ना इस पार दिखता है, बट क्या करें, इट्स माई बैड लक क्योंकि ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है दोबारा से, बट सेकेंड अटैम्प्ट भी यहाँ पर फेल होता हुआ। एंड अब क्या करें, थर्ड अटैम्प्ट शायद अगली बार आके ही करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ से हम निकल रहे टूवर्ड्स गैंगटॉक की ओर। एंड इट्स इज आई लव कृशिंग, वी ऑल लव कृशिंग, दिस इज़ आवर हनुमान जी का आइडल विच लुक सो ब्यूटिफुल। एंड अभी यार मतलब ड्रोन उड़ाकर भी क्या फ़ायदा, आपको वो दिखेगा ही नहीं अच्छी तरीके से। दो बार सेकेंड अटैम्प्ट में भी हम फेल हुए, शायद थर्ड अटैम्प्ट में आपको ना बहुत अच्छी तरीके से दिखा पाऊँ, हु नोज, लेट्स सी, फिंगर क्रॉस। अगली बार जब आऊँगा तब कोशिश करेंगे। एंड अब यहाँ से तो निकलने का वक्त आ चुका है, टाइम टू से गुड बाय एंड टाटा टू माई ब्यूटीफुल कृशिंग टाउन, फिर मिलेंगे चलते चलते। एंड दिस इज द टॉय ट्रेन का जलवा, आई मीन ट्रैक, जो मानसून पर ना यहाँ पर वो पोर्ट होल्स की तरह बनते हैं एंड रिस्की बन जाता है, स्पेशली जो नए राइडर्स होते हैं उनके लिए, इवन कि फोर व्हीलर को भी दिक्कत करती है, स्केट होते हैं ना, हमने भी मच्छी मारे पहले, तो या दिस इज आवर खूबसूरत के टाउन गाइज, क्या कहते हो, आते हो तो ज़रूर मुलाकात करते हैं। कह रहे थे आपको यहाँ पोर्ट होल्स टॉय ट्रेन के बीचों बीच ये चेक करो, यहाँ पर तो लाल झंडा भी दे रखे है, यानी कि बी केयरफुल। इट सेज घूम 1 किलोमीटर, बताशे लूप 3 किलोमीटर, दार्जिलिंग 9 किलोमीटर। बाटो तला खुला है सर, यता उता कालिम्पोङ ए रङ्गलीबाट जाँदैछ है, थ्याङ्क यू। चलो थोड़ा सा मैंने जाम यहाँ पे लगा दी, इनको पुछते ए अङ्कल तल बाटो खुल्लै होला कता टिस्टा हजुर ला त्यता हिजो त बन्द थियो खु ए हिजो त खुलेको थियो आज भन्न सक्दिनँ आज है हजुर हिजो त्यो सिक्किमको चिफ मिनिस्टर यताबाट आयो नि त ए सिक्किमको चिफ मिनिस्टर यताबाट आउनु भयो पानी त परेन होला राति यता राति परेन यता दिन एकदम क्लियर छ क्लियरै छ है ए हस् अङ्कल थ्याङ्क यू अङ्कल कह रहे आज का तो पता नहीं बट कल एक बार बंद था फिर खुला हुआ था ए ब्रदर ताला बाटो खुला है होला हजुर खुलै छ उताबाट आएको तिमी ए कालिम्पोङबाट आएको गान्तोक जाने त मल्लीपट्टि पनि खुल्लै छैन पुलमुनि त खुल्लै छ है त्यहीँबाट आएको है लगेडा थ्याङ्क यू अब चाहिँ कन्फर्म भयो नि त ऑलराइट गाइस या भाई हमारे भी कालिम्पोङ से आ रखे यानी कि वही रूट जिसके बारे में हम बार बार सभी लोगों से पूछ रहे कि रास्ता खुला है कि नहीं खुला है कि नहीं क्योंकि यार मतलब ये पूछ कर कन्फर्मेशन लेकर जाना ज़रूरी है ना नहीं तो फिर वाट लगने को है ट्रेन गैंगटॉक इट्स मोर 66 किलोमीटर टू गो गैंगटॉक मोर 66 सिलीगुड़ी 53 यानी कि गैंगटॉक की दूर है अभी भी सो दिस इज दी क्या ब्रिज बोलूँ इसे कार्ड का ब्रिज एंड या गुड न्यूज़ ये कि लेफ्ट हैंड पर कॉन्क्रीट का ब्रिज ऑलमोस्ट बन चुका है लाइक ये सेक्शन पर भी एंड ये चक्कर मेरा लेफ्ट हैंड पर ये देखो रास्ता क्रैक घर नीचे टेंशन है एंड यहाँ पर ये देख सकते हो रास्ता किस लिहाज से क्रैक होकर बैठा हुआ है एंड टीस्टा बगल में तरीका हर नहीं करने का आराम से निकलने का ठीक है देर से लावा क्योंकि यहाँ पे ना नज़र हटी तो टिस्टा के साथ जाती ये चेक करो ये चेक करो गाइस घर वगैरह नीचे वो देखो घर एक घर ये दो घर काफ़ी सारे ऐसे घर हैं जो अभी डिस्टा के नीचे आई मीन पानी के नीचे ये बेल्ट पर तो कुछ भी नहीं रहा अभी अब रहेंगे भी कैसे यार काफ़ी डरावना सीन है ये चेक करो ऊपर से अभी क्या है बारिश इतना तेज़ी से हो रहा है ना पानी यहाँ पर दबदबा बन जाता है
अभी शायद रास्ता ये लेवल तक आने को है, ये लेवल तक आता है तो फिर वो दो तीन दिन कंटिन्यू रेनफॉल होने से भी रास्ते पर सड़क पर पानी नहीं आएगा, तो इससे कनेक्टिविटी फिर से दोबारा चालू होगा। बट दो तीन दिन ये देखो पानी आने पर, सड़कों पर पानी आना मतलब क्या बोलो, आप ये जिक्र करंट को चेक करोगा इस पानी के तरीका। अब ये रास्ते को वही ऊंचा कर रहा है एंड काफी गर्मी है यहाँ पर अभी तरीका। देख रहे हो ना गाइस क्या लेवल है दोनों का, मतलब हमारा और टीस्टा का, ये चेक करो। ज्यादा चेक करो नहीं, जल्दी भागो। निकलो 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 निकलो। All right. बाकी ठीक है, अभी जो हमने दिखाया ना वो एकदम लेवल पर है ना सड़क का, तो वहां पर जल्दी पानी आ जाता है। ओ गड्ढे, ओ भाई मेरे, रुक जाओ रुक दो रुक दो। जब लच्को नजर हटी दुर्घटना घटी। रास्ता ही पूरा दब गया, नहीं है क्या ये भूल भुलैया भाई मेरे, गड्ढे वड्ढे तो दिख नहीं रहे हैं, यहाँ पर भी गया। ओ भाई साहब, दो दिन पहले जब हम जा रहे थे ना यहाँ का दृश्य ऐसा नहीं था, ठीक था, बट अभी ये चेक करो। ओहो व्हाट इज दिस, आप ठीक है, चलो भाई अपन निकलो। कोई तो है भाई साहब, दोस्त बट अपने को यहीं पे रुकना पड़ेगा आई थिंक। गाइस 4 घंटा बंद, कुछ सेकंड लेट हुआ है यहाँ पर। कति टाइम लाग्छ, कति टाइम, 4 घंटा ले खत्म। अरे यार 1 घंटा बराबर हो चुका है एंड अभी भी रोड तो एक्चुअली खोलने का नाम नहीं था, बट इमरजेंसी एक गाड़ी आए तो उसके लिए रोड यहाँ पे क्लियर करता हुआ ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। सो वी आर लकी, बट ऐसे में वही दिक्कत होती है। अभी एक्चुअली एम्बुलेंस गाड़ी आए तो उनको देखो, उनका भी यहाँ पे फंसना लगभग आधा घंटा हो चुका है। तो मनसून में यार मतलब यही थोड़ा सा दिक्कत रहता है कि यार इमरजेंसी गाड़ी को भी रुकना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है, इस बीच अगर कुछ हो जाए तो फिर कौन जिम्मेवारी होगा। यही तो यार मतलब नेचर के खिलाफ हम जा भी नहीं सकते हम, और तो क्या ही बताए, फिर भी काम काफ़ी स्पीडी तरीके से हो रहा है यहाँ पर, विच इज़ गुड। सो दिस इज़ द प्लेस जो अभी इम्पैक्ट हुआ था। अभी भी यहाँ पर ना ये देखो, लेट्स गो। लो जी हम निकल चुके हैं।
चलो फाइनली एक घंटा का इंतजार सफलता में बदला अभी, एंड हियर वी आर।